दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्क विलबर्ग की 10 हॉलीवुड मूवीज को। इसका पार्ट वन पहले ही बन चुका है, आप पहले जाके उसको देख लें। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने 10 मूवीज कवर की हैं और आज के इस वीडियो में हम और 10 मूवीज कवर करेंगे मार्क विलबर्ग की। सारी की सारी मूवीज एक से बढ़कर एक है और मोस्ट ऑफ द मूवीज का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इस लिस्ट की सारी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली मूवी है डीप वाटर होराइजन। ये मूवी आई थी 2016 में। ये एक एक्शन ड्रामा हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है डीप वाटर होराइजन नाम के एक ऑयल रिग की, जो सन 2010 में अप्रैल में एक्सप्लोड हो गया था। और ये अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था, जिसके अंदर इतना सारा ऑयल समुद्र के अंदर यूं ही बह गया था। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है उन सब लोगों की जो वहां पे फंसे हुए थे, उन वर्कर्स की जिनकी जान सबसे ज्यादा खतरे में थी। मूवी कमाल की है, जरूर देखिए इसको। दोस्तों मेरी सेकंड मूवी है टू गन्स। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है दो लोगों की, एक होता है DEA एजेंट और दूसरा होता है US नेवी इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये दोनों आपस में मिलकर नारकोटिक सिंडिकेट में मेंबर होते हैं और ये दोनों अंडरकवर काम कर रहे होते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि इन दोनों को ही नहीं पता कि ये दोनों अंडरकवर ऑफिसर हैं। इनको लगता है कि ये चोर है, इसको लगता है ये चोर है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों के ही सुपीरियर, जो ऊपर के लोग हैं, वो इन दोनों को धोखा दे देते हैं और अब वो चाहते हैं या तो ये मारे जाएं या तो ये जेल में जाएं। तो आगे क्या होता है आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए। दोस्तों मेरी थर्ड मूवी है ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट। की मूवी आई थी 2017 में। ये एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। वैसे इस मूवीज के बहुत से पार्ट्स आ रखे हैं और सारे के सारे पार्ट्स एक से बढ़कर एक हैं और कमाल की मूवीज इनकी होती हैं। मार्क विलबर्ग इस मूवी के अंदर हैं और साथ ही इससे पहले की एक और मूवी के अंदर, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सटेंशन, उसके अंदर भी मार्क विलबर्ग हैं। मैं इसकी स्टोरी की बात नहीं करूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इसके बारे में जानते हैं। और इस मूवी के अंदर एक्शन दबा के है और इसके अंदर एलियंस हैं। एलियंस इसके अंदर बायोलॉजिकल ना होकर मैकेनिकल हैं, वो सारे के सारे रोबोट्स हैं। तो मूवी जबरदस्त है, आप इसको भी जरूर देखें। दोस्तों हमारी फोर्थ मूवी है द गैम्बलर। ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लिटरेचर प्रोफेसर की, जो एक गैम्बलर होता है। वो गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, लेकिन उसी के चक्कर में वो बहुत बड़े कर्जे के अंदर आ जाता है और अब जिन जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे उसकी फैमिली को और उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये बंदा आखिरी बार अपनी मॉम से थोड़े पैसे लेता है और कुछ और लोगों से पैसे कलेक्ट करके जुआ खेलने जाता है ताकि उन सब लोगों के पैसे चुका सके। तो क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। पर ये मूवी बहुत कमाल की मूवी, आपको लाइफ के बहुत बड़े बड़े लेसन से मूवी सिखा जाती है और थोड़ी मोटिवेशनल मूवी भी है, आपको बहुत पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी फिफ्थ मूवी है लॉन्च सर्वाइवर। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक एक्शन बायोग्राफी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है US आर्मी की एक टुकड़ी की, जो गई होती है तालिबान के लीडर अहमद शाह को मारने के लिए। और ये रियल स्टोरी है। जून 2005 में ये लोग गए थे, पर वहां पे इनका सामना हो जाता है एक बहुत बड़ी टेररिस्ट आर्मी से। आगे क्या होता है खुद इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी एक मोटिवेशनल मूवी है कि कैसे ये सोल्जर्स अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाते हैं और किस तरह वॉरफेयर में क्या क्या होता है, आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारी सिक्स्थ मूवी है टेड। मूवी आई थी 2012 में। इसके अब तक दो पार्ट्स आए हैं, दोनों ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ये प्योर कॉमेडी मूवी है। इसके अंदर इतनी कॉमेडी है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपके हद से बाहर है, इतनी कॉमेडी मूवी है। और ये दोनों ही मूवी हिंदी में अवेलेबल हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं बोलूं टेडी बियर तो आपके दिमाग में क्या आएगा? प्यारा से टेडी बियर। पर इस मूवी को देखने के बाद आपकी थिंकिंग पूरी बदल जाएगी। इस मूवी के अंदर जो टेडी बियर है वो एक नंबर का अय्यास है, सारे गलत काम वो करता है और इसी वजह से इस मूवी के अंदर बहुत कॉमेडी क्रिएट होती है। आप इस मूवी को जरूर देखें, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। तुम्हारे पास वो है जो इस नौकरी में चाहिए? वो तो पता नहीं, पर वो जरूर है जो तुम्हारी पत्नी को चाहिए। अरे कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की है मुझसे। क्योंकि आज से पहले तुम्हारी पटाखा पत्नी को किसी ने देखा नहीं ना। तुम्हारी नौकरी पक्की? शिट। दोस्तों हमारी सेवंथ मूवी है द लवली बूंस। ये मूवी आई थी 2009 में। ये एक ड्रामा फैंटेसी थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़की की, जिसका मर्डर हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी आत्मा जाती है एक फेरी वर्ल्ड में, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे उसकी लाइफ लगभग बिल्कुल ठीक चल रही होती है, वो आराम से रह रही होती है उस दुनिया में। लेकिन उसके बाद जब उसको ये पता लगता है कि उसका जो किलर है वो अभी तक उसको सजा नहीं मिली है, तो उसकी आत्मा परेशान होने लगती है। वो अपने पिताजी को धीरे धीरे हिंट देती है कि उसका किलर अभी भी जिंदा है और उसके पिताजी उसको पकड़ पाते हैं या नहीं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बहुत कमाल की मूवी है। मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद देखिए इस मूवी को, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी एट्थ मूवी है द डिपार्टेड। ये मूवी आई थी 2006 में। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है बहुत सारे जासूसों की, बहुत सारे डिटेक्टिव्स की, जो चाहते हैं किसी भी तरह एक ही गैंग के अंदर घुसना, घुसपैठ करना। जो एक आयरिश गैंग है, वो गैंग बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारे लीगल काम करती है, तो ये लोग उसके अंदर घुस के उसको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। आगे आप खुद ही इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी के अंदर
और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 9th मूवी है द करप्टर। ये मूवी आई थी 1999 में। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है चाइना टाउन की। जब चाइना टाउन के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा होता है, ये कहानी है यूएसए की। यूएस में एक जगह है चाइना टाउन नाम की, वहां बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ता है, गैंग्स एक दूसरे को मार रही होती है और आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। तो दो नए ऑफिसर्स को असाइन किया जाता है, एक चाइनीज और एक अमेरिकन, की ये दोनों जाएं और जाके उन गैंग वॉर को खत्म करें और उन लोगों को ये लोग टर्मिनेट करें। आगे क्या होता है आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 10th मूवी है कॉन्ट्राबैंड। मूवी आई थी 2012 में। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक आदमी की, जिसका ब्रदर इन लॉ यानी बहनोई की जान खतरे में होती है, क्योंकि उसने एक ड्रग लॉट के बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर डुबा दिए होते हैं। अब इस आदमी के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि ये उस पैसे को चुकाए, और इसके लिए क्या क्या करता है इस मूवी के अंदर, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और ये फुल ऑफ एक्शन से भरी हुई है। अगर आपको एक्शन मूवी पसंद है तो इस मूवी को जरूर देखिए, बहुत पसंद आएगी आपको ये मूवी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, और किस तरह की फ्यूचर में आप मूवीज देखना चाहेंगे वो भी आप जरूर बताएं कमेंट के अंदर, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।